छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों पर रोक लगाने, निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून लाने व रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम शिमला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। विक्ट्री टनल पर एकत्रित हुए अभिभावक एक रैली के रूप में विधानसभा चौक पहुंचे। यहां पर हुई जनसभा को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। छात्र अभिभावक मंच संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी लूट पर भारी फीसों पर रोक लगाई जाए, निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए जाए, निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाए जाए, निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य चार्जेस पर रोक लगाई जाए, ट्यूशन फीस कुल फीस का 50% से अधिक ना हो इसे सुनिश्चित किया जाए, निजी स्कूलों को फीस बुकलेट जारी करना अनिवार्य किया जाए, निजी स्कूलों में पीटीए गठन अनिवार्य किया जाए, ऑनलाइन क्लासेस के मोबाइल डाटा खर्च की फीस से कटौती की जाए, गरीब छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर करना बंद किया जाए, निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू किया जाए, निजी स्कूलों में वर्ष 2014 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू की जाए, निजी स्कूलों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 2016 का निर्णय लागू किया जाए, निजी स्कूलों के 1997 के कानून व वर्ष 2003 के नियमों में बदलाव किया जाए, जिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई है वहां पर पूरी फीस माफ की जाए, फीस की आड़ में अभिभावकों व बच्चों को डराना धमकाना बंद किया जाए, एसडी स्कूल जनेड़ घाट व IB/2 स्कूल भट्टा कुफर की मनमानी पर रोक लगाई जाए। छात्र अभिभावक मंच की ओर से हम पिछले 2 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग कर रहे हैं, राज्य सलाहकार परिषद गठित करने की मांग कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आज के दौर में कोरोना के समय में ये सरकार 5000 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, 5000 जो बड़े पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार जो है विधानसभा के अंदर 5-5 अध्यादेश लाती है, लेकिन 15 लाख लोग जिस चीज से प्रभावित हैं, 6 लाख छात्र जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, 3000 निजी स्कूलों में, 9 लाख अभिभावक जो इन बच्चों का फीस का किसी न किसी रूप से उसका जुगाड़ करते हैं, बड़ी बेहद परिस्थितियों में अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं, ये 15 लाख लोग जो है सरकार के एजेंडे में नहीं है। आज भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक साल पहले शिक्षा विभाग ने एक प्रारूप सौंपा था सरकार के पास कि वो जो एक कानून का गठन करें, क्योंकि 2003 में जो नियम बनाए गए, 1997 का जो कानून है वो आज के दिन में ऑब्सोलीट है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें फीसों के संचालन के लिए, प्रवेश प्रक्रिया का संचालित करने के लिए, पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कोई भी उसमें प्रावधान नहीं है, शिक्षा का अधिकार कानून लागू होता नहीं है, पीटीए का गठन निजी स्कूलों में होता नहीं है, 3500 करोड़ रुपए का पूरा एक साम्राज्य जो निजी स्कूल चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको संचालित करने के लिए कोई नियम नहीं है। जो बागवान खेती करते हैं उनको संचालित करने के लिए भी नियम है सरकार के पास, लेकिन निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कोई भी नियम जो है सरकार के पास नहीं है। और हम लगातार पिछले 2 वर्षों से इस बात को कहते रहे हैं कि निजी स्कूलों का कहीं ना कहीं अंदर खाते मिली भगत है सरकार के साथ, क्योंकि जो उच्च शिक्षा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको संचालित करने के लिए 2010 में यानी 10 साल पहले जो है रेगुलेटरी कमीशन बन गया उनको संचालित करने के लिए, निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन क्यों नहीं बनता है, कानून क्यों नहीं बनता है? दूसरे राज्यों की तरह जो है क्यों इस तरीके से जो है निजी स्कूलों का संचालन नहीं किया जाता, कितनी कितनी फीसें आज ली जा रही है, लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। कोरोना के समय में जो सरकार ने अधिसूचना जारी की 23 मई को कैबिनेट की मीटिंग में, वो आज पूरी की पूरी अधिसूचना जो रद्दी की टोकरी में है, ये निजी स्कूल उसको लागू नहीं करते हैं, सरकार कार्रवाई भी नहीं करती है निजी स्कूलों के ऊपर कोई, तो इसी से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की ऊपर जो है सरकार का हाथ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि 23 मई को जब अधिसूचना जारी की थी कि जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात थी 2019 की तर्ज पर, बाकी चार्जेस पर रोक लगाने की बात थी, 2016 में हिमाचल हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी ने इसको लेकर एक जजमेंट पारित की जो एक लैंडमार्क जजमेंट है हिमाचल के इतिहास में, उसको इस सरकार ने कभी लागू नहीं किया। 5000 पूंजीपतियों के लिए फटाफट 5 अध्यादेश में विधानसभा के अंदर लाकर जो पारित कर दिए, और जहां 15 लाख जो है छात्र और अभिभावक हैं उनके लिए कोई कानून ये सरकार नहीं लाती है, तो उस बात को लेकर जो आज हम यहां पर आए हैं विधानसभा के बाहर और अपना रोष जताने आए हैं। ये लड़ाई चल ही रही है 2 सालों से, ये लड़ाई आगे
निश्चित तौर से बढ़ेगी। हम फिर एक बार सरकार से कहना चाहते हैं, जो आपके पास शिक्षा विभाग ने प्रारूप भेजा है कानून बनाने के लिए, आप तुरंत जो है उसको लागू कीजिए, उस पर कानून बनाइए और अभिभावकों को राहत दीजिए। और जो निजी स्कूल लूट कर रहे हैं वर्दी के नाम पर, किताबों के नाम पर, तरह तरह के चार्जेस के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर, इस पर जो है तुरंत अंकुश लगाया जाए। इसी बात को लेकर जो आज विधानसभा के बाहर हमने ये प्रदर्शन किया है।